खुसूसी की तशरीफ आवरी कुछ ही पलों में होने वाली है। हमारे वॉलंटियर आ रहे हैं साथ में, और मुझे लगता है कि वॉलंटियर जब आ रहे हैं तो मेहमान खुसूसी की आमद भी हो चुकी है। हम इस मुशायरागाह में कन्वीनर अब्दुल रहीम खान साहब की तरफ से और मुशायरा कमेटी की जो इंतजामिया कमेटी है, अयूब मनिहार जो मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, अफरोज मलिक जो पीसीसी मेंबर हैं और मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शरीफ खान साहब हैं, ये सारे लोगों की तरफ से मैं जनाब मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब का इस्तकबाल करना चाहता हूं। दोस्तों खड़े होकर के आप तालियां बजा के हमारे इस मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल करें। दोस्तों आज इनकी सालगिरह है, मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम सलामत रहो हजार बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। आमीन बोलिए आप लोग, आमीन बोलिए दोस्तों आप लोग। हमारा महबूब रहनुमा जो पिछले 20 साल पहले चांदेवली में कुछ नहीं था, आज चांदेवली का जर्रा जर्रा महक रहा है, आज चांदेवली का जर्रा जर्रा मुस्कुरा रहा है। क्यों मुस्कुरा रहा है? हमारा रहनुमा का इखलाक इतना आला है, हमारे रहनुमा का काम करने का तरीका इतना आला है। हमारा महबूब रहनुमा हमारे बीच में आ चुका है। दोस्तों मैं मुशायरा कमेटी की तरफ से, मुशायरा के कन्वीनर जनाब अब्दुल रहीम खान साहब की तरफ से, मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर अयूब मनिहार की तरफ से और एडवोकेट अफरोज सिद्दीकी और शरीफ खान की तरफ से, सारे लोगों की तरफ से मैं मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों अब मुशायरा यहां से बाकायदा मुशायरे का आगाज होगा। नदीम फरूख साहब एक अच्छी निजामत, इंशाअल्लाह मुशायरा अपनी बुलंदियों को तय करता हुआ बुलंद तरीन मकाम पे जाएगा दोस्तों, और एक तारीखी मुशायरा होगा इंशाअल्लाह। मेहमान खुसूसी का हम सारे लोग इस्तकबाल करते हैं दोस्तों। भाई सलाम अलैकुम। हजरात गिरामी, आपने जिस तरह से दिल की गहराइयों से इस्तकबाल किया है अपने महबूब रहनुमा का, कायदे मुल्क व मिल्लत आपके रहबर, हम सबके दिलों की धड़कन मोहतरम मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब आप डाइस पर तशरीफ ला चुके हैं। आपने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया था, एक बार मैं आपसे इस तरह से भी इस्तकबाल कराना चाहता हूं ताकि आज का यह इस्तकबाल यादगार बन जाए। आपके पास दाहिना हाथ है, एक बार हवा में उठाइए, तो क्या बायां हाथ भी है? इसको भी जरा हवा में उठाइए और दोनों हाथों को आपस में मिलाकर जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए अपने महबूब रहनुमा जनाब मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब का। नसीम भाई ये एक सियासी शख्स का इस्तकबाल नहीं है, ये सिर्फ एक पूर्व मंत्री का या एक एमएलए का इस्तकबाल नहीं है, ये इस्तकबाल है उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत का जिसे लोग अपने दिल में जगह दिए हुए हैं, अपने दिल में जिसे चाहते हैं। और ये कारनामा एक दो दिन में नहीं हुआ है। मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब को बड़े अदब के साथ एक बात अर्ज करता हूं, ये कारनामा ये इज्जतें आपकी किस्मत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए लिखी है कि आपने, आजकल तो लोग मस्जिद के मिंबर पर सियासत कर रहे हैं, आपने सियासत को इबादत की तरह किया है, इसलिए ये इज्जतें आपकी किस्मत में लिखी गई है। अल्लाह आपको इसी तरह से कामयाब रखे और इसी तरह से आप मुल्क मिल्लत की खिदमत करते रहे। बहुत शुक्रिया। आप सब भी एक बार आमीन कह दें। मैं मोहतरम आरिफ नसीम खान साहब की लंबी उम्र और उनकी बेहतर खिदमात के लिए दुआ कर रहा हूं। आप सब आमीन कहें कि अल्लाह उन्हें इसी तरह से खुशो खुर्रम रखे और वो बेहतर खिदमत मुल्क मिल्लत की करें। बहुत कुछ कहा जा चुका है, अब आखिर में सिर्फ एक बात कहनी है। नसीम भाई, आपके जितने चाहने वाले हैं, कोई बुके देगा, कोई आपको गिफ्ट देगा, हम तो शायर लोग हैं, हमारे पास तो टूटे फूटे लफ्जों के अलावा कुछ है भी नहीं, हम आपकी खिदमत में क्या पेश करें। मैं अपने तमाम शायर दोस्तों की तरफ से तोहफे में एक शेर पेश करता हूं, एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं अपने तमाम शायर दोस्तों की तरफ से, और वो ये है कि महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद, महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आप आए उजाला ना हो सका। महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आप आए उजाला ना हो सका। आप मेरी तरफ घूर के मत देखिए, चांदीवली के अच्छे लोगों, साकीनाका के अच्छे लोगों, आपकी तरफ से भी नसीम भाई को एक शेर नजर करूंगा, और आपकी तरफ से जो शेर नजर करने जा रहा हूं
आपकी तालियों की गूंज बताएगी कि ये आपके दिल के जज्बात हैं। कि दुनिया में एक शेर में नजर करने जा रहा हूं कि जालिम को अपनी चालों पे ताकत पे नाज है, जालिम को अपनी चालों पे ताकत पे नाज है, हमको फकत तुम्हारी कयादत पे नाज है। जालिम को अपनी चालों पे ताकत पे नाज है, हमको फकत तुम्हारी कयादत पे नाज है। बहुत शुक्रिया हजरात, और एक बार फिर आपने इस बात का सबूत पेश किया है कि जिंदा कौमें अपने रहबर का यौम पैदाइश भी मनाती हैं तो इस जिम्मेदारी को नहीं भूलती कि नई नस्लों की तरबियत हमारी जिम्मेदारी है, और हम जश्न मनाते वक्त भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम अपने रहबर की यौम पैदाइश की खुशी मना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ नई नस्लों की तरबियत हो रही है ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी हमारे मुल्क का ऐसा अजीम सरमाया बने जिनके रहती दुनिया तक याद किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर इजाजत दी जाए तो मैं मुशायरा शुरू करूं।